भाई बहन प्रश्न पूछते हैं कि चलते फिरते गुरु मंत्र का जब करना चाहिए नहीं करना चाहिए देखिए जब करने की दो वस्तु होती है एक होता है नाम एक होता है मंत्र गुरु मंत्र जिसमें नमः, स्वाहा नमस्तु, ओम इत्यादि शब्द जुड़े हैं जिन गुरु मंत्र में श्री गोपाल मंत्र वासुदेव मंत्र ओम नमः शिवाय नारायण मंत्र श्री राम मंत्र जो दीक्षा के समय गुरुदेव देते हैं उनको चलते फिरते बिना नहाए अशुद्ध अवस्था में जूता चप्पल पहने कभी भी नहीं करना चाहिए कुछ कहते हैं हम सुबह घूमने जाते हैं और गुरु मंत्र का जप करते हैं तो वैष्णवों में सर्वथा निषेध है ऐसी अवस्था में श्री महामंत्र अथवा नाम का जप करना है महामंत्र आप सब जानते हैं हरे कृष्ण महामंत्र उपदेश मंत्र, मंत्र भजनिताई गो राधेश्याम विजय मंत्र श्री राम जय राम जय जय राम अथवा सीताराम जय सीताराम श्याम जय श्याम जो नाम प्राप्त हुआ हो इन को नाम कहते हैं इनमें नमः स्वाहा ओम नमस्तु ये शब्द नहीं जुड़े हैं तो इनको स्नान करके बिना स्नान करके सूतक में पातक में जूते चप्पल पहन के कैसे भी किसी भी अवस्था में जप किया जा सकता है पर जिन मंत्रों में ओम नमः स्वाहा नमस्तु इत्यादि शब्द जुड़े हैं उनका जूता चप्पल पहन के अपवित्र अवस्था में जप नहीं करना चाहिए इन गुरु मंत्रों का जो गुरुदेव के द्वारा प्रदान किए गए हैं आसन पर बैठकर स्नान करके पवित्र अवस्था में तिलक धारण करके ही जप करना चाहिए ऐसा आचार्यों के द्वारा बताया गया नियम है तो इसका सब लोग पालन करेंगे और प्रेम से कहेंगे जय जय श्री राधे श्याम श्याम आज हमने पूज्य महाराज श्री से अपनी जिज्ञासाओं का बड़ा सुंदर समाधान किया अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें एवं ऊपर का लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी आपसे प्रार्थना है श्री राधेश्याम